गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। चलिए आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो आप लोग श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले ऑक्सीकरण और ऊर्जा तथा ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होते हैं तथा उष्मा के मुख्य दो रूप होते हैं पहला श्वसन, दूसरा रक्त में परिसंचरण, ब्लड में ऑक्सीजन का दौड़ा होना, तो रक्त में परिसंचरण। दूसरा तो अपचाई, कैटाबोलिक, किसी भी पदार्थ को तोड़ देना कैटाबोलिक कहलाता है, किसी पदार्थ को जोड़ देना एनाबोलिक कहलाता है। तो ऊर्जा तथा उष्मा कैटाबोलिक के अंतर्गत आते हैं। तो अपचयी कैटाबोलिक। तो अब चलिए श्वसन अंग के बारे में बात करते हैं, आप लोग बने रहिए। तो श्वसन अंग स्तनधारी वर्ग के जो भी प्राणी आते हैं वो फेफड़ा से लंग्स से सांस लेते हैं। कीट जो है श्वास नली ट्रेकिया से सांस लेते हैं, श्वास नली। कीट जलीय जीव, गिल्स क्लोम गल्फर, गल्फर उर्दू में गल्फर कहते हैं। आप लोग जो बच्चे होते हैं वो देखते होंगे कि मछली पकड़ के या मम्मी के पास में आते हैं, तो वो एक्चुअल मछली नहीं होते हैं, वो जलीय जीव जंतु, जलीय मछली भी होते हैं जो गिल्स से सांस लेते हैं। तो गल्फर उर्दू में गल्फर कहते हैं, हिंदी में क्लोम और गिल्स इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। मेढक त्वचा से, जवानी में मेढक त्वचा से सांस लेते हैं। और टेडपोल गिल्स, आप लोग जब बच्चा होंगे तो मछली पकड़ के लाते होंगे, तो वो एक्चुअल छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक्चुअल टेडपोल यानी मेढक के रूप होते हैं, मेढक के रूप मछली के आकार के होते हैं, तो वो भी गिल्स से सांस लेते हैं। और मेढक जो है भूमि पर जो रहते हैं मेढक, वो फेफड़ा से सांस लेते हैं, अब भूमिगत यानी भूमि के अंदर में वो त्वचा से सांस लेते हैं। और टेडपोल मछली का ही रूप होते हैं मेढक के, तो वो टेडपोल के रूप गिल्स से सांस लेते हैं। मछली जलीय जीव जंतु, गिल्स क्लोम गल्फर, मछली देखते होंगे जो गल्फर से सांस लेते हैं, गल्फर गिल्स से साइड में दोनों मछली के साइड में दोनों गिल्स होते हैं उससे सांस लेते हैं, जिसे हम क्लोम हिंदी में क्लोम कहते हैं, गल्फर कहते हैं। तो आप लोग श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊष्मा के दो मुख्य कारण होते हैं, पहला आपका श्वसन और दूसरा आपका रक्त में परिसंचरण। और अपचयी कैटाबोलिक, किसी पदार्थ को तोड़ देना कैटाबोलिक कहलाता है, किसी पदार्थ को जोड़ देना एनाबोलिक कहलाता है। तो इनके अंतर्गत ऊर्जा तथा ऊष्मा आते हैं। श्वसन अंग के बारे में, तो स्तनधारी वर्ग के जो भी प्राणी आते हैं वो फेफड़ा से लंग से सांस लेते हैं। और कीट श्वास नली ट्रेकिया से सांस लेते हैं। और जलीय जीव गिल्स क्लोम गल्फर, मेढक त्वचा टेडपोल गिल्स, मेढक भूमि पर मेढक फेफड़ा से सांस लेते हैं, और भूमि के अंदर जो होते हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं। आप लोगों को इससे पहले हम बता चुके थे ऑक्सीकरण और श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन अंग के बारे में। तो चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग के दो पार्ट होते हैं, यानी सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ब्रीदिंग में कितना सांस अंदर लेते, कितना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कितना बाहर छोड़ते हैं,
ब्रीदिंग में अंदर लेना, निश्वसन निश्वसन, इन एस्पिरेशन निश्वसन और निःश्वसन एक्सप्रेशन, यानी इन से अंदर एक्स ई एक्स से बाहर एक्सिस्ट बाहर। तो निःश्वसन में इन एस्पिरेशन में कितना सांस, तो N2 78% नाइट्रोजन 78% लेते हैं, 78% नाइट्रोजन लेते हैं, और जितना लेते हैं उतना ही N2 नाइट्रोजन 78% हम छोड़ देते हैं। O2 4% का इसमें हेरा फेरा होता है, 4% का। तो O2 ऑक्सीजन 21% लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं, कितना 4% 4% 17% छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.1% से भी कम, 0.03% से एक से भी कम CO2 लेते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं, 4% 4%। क्वेश्चन में ये लोग तो ये तो आप लोग समझते होंगे, N2 78% लेते हैं, O2 21% लेते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछते हैं कि N2 78% छोड़ते हैं और O2 4% हेरा फेरी होता है इसमें, 4% O2 17%, इसमें 21% लेते हैं, 4% कम ना, 4% कम इसमें छोड़ते हैं, और CO2 4% इसमें 1% से भी कम लेते हैं। तो आप लोग इनको नोट कीजिए और हम बनाते हैं बताते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए आप लोगों। श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं, वायु श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग के मुख्य 10 होते हैं, 10 भाग होते हैं। तो आप लोग नासा छिद्र, ये नाक से जो अंदर ऑक्सीजन जाती है ये नासा छिद्र, और नासा कपाट, ये यहाँ पे नासा कपाट होते हैं जिसके अंदर म्यूकस होते हैं, और नासा छिद्र में बाल होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे कणों को ये छान 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 लेते हैं, और इनके नासा कपाट के अंदर ये म्यूकस होते हैं, और उनके अंदर भी छोटे छोटे कणों को उस म्यूकट में लपेट लेते हैं, और वो जब लपेट लेते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नाक के अंदर चले आते हैं, जो खखोट खखोट के उंगली से निकाल देते हैं बाहर। तो फैरिंग्स ग्रसनी, फैरिंग्स ग्रसनी मुंह के अंदर, फैरिंग्स ग्रसनी छोटे मांस का बना होता है, ग्रसनी यहाँ पे अंदर में मुंह में। फैरिंग्स लैरिंग्स, लैरिंग्स श्वसन तंत्र, लैरिंग्स स्वर तंत्र, लैरिंग्स इसको जब दबाएंगे तो आवाज नहीं निकल पाएगा। नासा छिद्र जिसके अंदर बाल होते हैं, जो छोटे छोटे कणों को इसके अंदर छान छान लेते हैं, और नासा कपाट, कपाट जिसके अंदर म्यूकस होते हैं, म्यूकस के अंदर छोटे छोटे कणों को अपने लपेट के और फिर नाक में खखोट खखोट के बाहर निकालते हैं उंगली से। और फैरिंग्स ग्रसनी, ग्रसनी ग्रसनी जो मुंह के अंदर एक छोटा बड़ा मांस का होता है, वो एक्चुअल सांस लेते समय वो ग्रसनी का काम होता है, और पानी पीते समय, खाना खाइएगा तो आप खाना ही खा सकते हैं, और खाना खाते टाइम में आप सांस एक बार ही दोनों काम नहीं कर सकते हैं, या तो आप सांस ले लीजिए या तो आप भोजन मुंह में डाल दीजिए, जो दोनों खाते समय एक साथ नहीं कर सकते, आगे पीछे दोनों काम होते हैं, आप एक साथ सांस या पानी नहीं पी सकते हैं। तो ये फारिंग्स ग्रसनी का काम होता है। लैरिंग्स श्वसन तंत्र, आप श्वसन तंत्र इनको दबा देंगे आवाज नहीं निकलेगा, तो स्वर तंत्र कहते हैं इसे। नासा छिद्र, नासा कपाट, फारिंग्स लैरिंग्स, नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा कपाट, फैरिंग्स लैरिंग्स। तो अब चलिए हम बात करते हैं श्वास नली ट्रेकिया का, श्वास नली ट्रेकिया, ये श्वास नली है,
फेफड़ा का फिगर बना चुके हैं यहाँ पे, ये श्वास नली। तो श्वास नली में ये जो आप सी टाइप के देखते हैं, सी टाइप के, ये हड्डी ही छोटे हड्डी होते हैं, यानी कि मोटे हड्डी, छोटे हड्डी जैसे कार्टिलेज, कार्टिलेज के रूप में ये हड्डी होते हैं, जिसके कारण ये पाइप जो है सुकड़ नहीं पाते हैं। ये अगर कार्टिलेज हड्डी नहीं रह पाएंगे तो ये सांस के पाइप सुकड़ जाएंगे, तो उससे सांस नहीं ले पाएंगे। आप लोग पंपी सेट बोरिंग में देखते होंगे कि वो पंपी सेट पाइप जो होते हैं सक्शन पाइप, वो पाइप में आप लोग देखते होंगे ब्लू कलर का रहता है और बीच में रेरापन रहता है, जो उन पे भी कार्टिलेज रहता है, जिसके कारण वो सुकड़ नहीं पाते, जिसके कारण पानी वो खींचते हैं पंपी सेट से, और उनका पाइप जो सेक्शन पाइप होते हैं वो सुकड़े हुए रहते हैं, जिनको मोड़ के घर में भी रख देते हैं। तो उसी तरह इस फेफड़ा में ये कार्टिलेज काम करते हैं, जो इस पाइप को सुख यानी सुकड़ने नहीं देते हैं, सुकड़ जाएंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे, फंसिए जाएगा, मरिए जाएगा। तो ये ट्रेकिया, ये श्वास नली, और यहाँ से ट्रेकिया यहाँ से दो भागों में बांट जाता है, जिसे हम ब्रोंकाइल कहते हैं। ये दो भागों में बटना, यहाँ पे दो भागों में जो बट जाता है उसे हम ब्रोंकाइल कहते हैं, और ब्रोंकाइल इसमें भी कार्टिलेज है, यहाँ पर भी, यहाँ सारा का कार्टिलेज है। फिर ये यहाँ से ब्रोंकाइल दो भागों में बटने के बाद फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, जिसे हम ब्रोंक्यूलियस कहते हैं, और ब्रोंक्यूलियस के ऊपर ये छोटे छोटे रिंग के आकार एल्व्यूली क्या करते हैं, एल्व्यूली एक्चुअल सबसे अच्छा काम ये एल्व्यूली करते हैं, जो ब्लड में भेज देते हैं, ये ऑक्सीजन ब्लड को दे देते हैं, ब्लड कोशिका को, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को पहुंचा देते हैं। तो ये जो है इसे प्यूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ट्रेकिया से दो भाग बढ़ने के बाद उसे ब्रोंकाइल, वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ने के बाद ब्रोंक्यूलेस, ऊपर रिंग के आकार के जो ये बने होते हैं ये एल्व्यूले। तो आप लोग समझ चुके होंगे, तो फिर से एक बार हम बता देते हैं, श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि भोजन जिस मार्ग पर जाता है उसे हम आहार नाल कहते हैं, और श्वसन जिस मार्ग से जाता है उसे हम श्वसन अंग या श्वसन मार्ग कहते हैं। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ये पाइप जो है फेफड़े के पाइप, और ट्रेकिया, ब्रोंकाइल्स, ब्रोंक्यूलियस, एल्व्यूले वायु कोष्ठक, ब्लड एल्व्यूले वायु ऑक्सीजन को ब्लड में भेज देते हैं, ब्लड कोशिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को दे पहुंचाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पहुंचा देते हैं। एल्व्यूला, ये छोटे रिंग टाइप के जो, ये एल्व्यूला, ये पाइप जो है, ये ट्रेकिया, ये छोटे छोटे कार्टिलेज हैं जो इन पाइपों को सुकड़ने नहीं देते हैं। तो ये यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, एक दाएं साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ये ब्रोंक्यूलियस, और ये एल्व्यूले ऊपर में होते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।